फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। गाइस, बहुत सारे लोग आईपीएस, एडीएस और वीए पैनल के टीवीज को लेकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि उन्हें कौन सा टीवी खरीदना चाहिए। आमतौर पे लोगों की ये धारणा है कि आईपीएस पैनल वाले टीवीज बेस्ट होते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन तीनों पैनल्स में से कौन सा आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बेस्ट होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस व्यूइंग डिस्टेंस के लिए कौन से साइज का टीवी ठीक रहेगा। इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपको यहाँ वो बताते हैं जो मैन्युफैक्चरर्स आपसे छुपाते हैं। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे तो टीवीज में बहुत तरह के पैनल्स लगाए जाते हैं, जैसे एडीएस, वीए, आईपीएस, टीएन वगैरह, लेकिन मोस्टली टीवीज में वीए और आईपीएस पैनल्स ही यूज किए जाते हैं। हाल में ही एडीएस पैनल्स के साथ भी मैन्युफैक्चरर्स ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया है, जैसे मोटोरोला, रेवो और नोकिया का पिछले साल का मॉडल। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आईपीएस पैनल टीवी किन लोगों के लिए सूटेबल है। आईपीएस पैनल टीवी का सबसे बड़ा एडवांटेज उसका अच्छा व्यूइंग एंगल होता है। अगर आप अपने टीवी को किसी बड़े रूम में लगाएंगे जहां आपके फैमिली मेंबर्स डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर टीवी देखेंगे, तो आपको आईपीएस पैनल वाला टीवी ही सूट करेगा, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स से देखने पे भी एक अच्छे आईपीएस पैनल के टीवी के कलर्स वॉश्ड आउट नहीं होते हैं। जबकि वीए पैनल में डायरेक्टली सामने से देखने पे बेस्ट पिक्चर क्वालिटी मिलती है, जो साइड से देखने पे थोड़ा फॉगी हो जाती है, जिससे कलर्स फीके लगने लगते हैं। मैंने यहाँ अच्छे आईपीएस पैनल पे इसलिए जोर दिया है क्योंकि कुछ सस्ते आईपीएस पैनल टीवीज अच्छा व्यूइंग एंगल भी नहीं दे पाते हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है और सब हॉल में इधर उधर बैठकर टीवी देखेंगे, तो आपके लिए बजट कैटेगरी में व्यू सिनेमा 55 इंचेस और 43 इंचेस बेस्ट चॉइस होगा। इसके अलावा मोटोरोला ZX Pro टीवी भी एक अच्छी चॉइस है। इनके अलावा थॉमसन, सैनियो और ओनिडा कंपनीज भी आईपीएस पैनल यूज करती हैं। वैसे यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि कुछ वीए पैनल टीवीज का व्यूइंग एंगल कई आईपीएस पैनल वाले टीवी से ज्यादा अच्छा होता है। तो शिबा और नोकिया टीवी में वीए पैनल दिया गया है, लेकिन उनमें आपको अच्छा व्यूइंग एंगल भी मिल जाता है। लेकिन एक और बात आप समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छा आईपीएस पैनल वाला टीवी साइज से देखने से पिक्चर क्वालिटी में थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन जरूर देता है। जहां वीए पैनल में साइज से देखने पे कलर सैचुरेशन लेवल घटती है, वहीं आईपीएस पैनल वाले टीवीज में साइज से देखने पे ब्राइटनेस घटती है। दूसरी अच्छाई आईपीएस पैनल टीवी की ये होती है कि उसका रिस्पांस टाइम वीए पैनल से थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। रिस्पांस टाइम वो होता है कि मान लीजिए आप गेमिंग कंट्रोलर के थ्रू टीवी पे गेमिंग कर रहे हैं, तो अच्छे रिस्पांस टाइम वाला टीवी बहुत ही जल्दी बिना ज्यादा डिले के तुरंत आपके कमांड्स को पूरा करता है, जिससे आप गेमिंग स्मूथली कर पाते हैं। इसीलिए गेमिंग के लिए आईपीएस पैनल टीवी थोड़ा ज्यादा सूटेबल होता है। हालांकि अब वीए पैनल में भी अच्छा रिस्पांस टाइम दिया जा रहा है। व्यू, हाइसेंस और तुशीबा तीनों ही वीए पैनल टीवीज का रिस्पांस टाइम काफी अच्छा है। अच्छे रिस्पांस टाइम, लो इनपुट लैग और बेटर व्यूइंग एंगल के चलते टीवी को एज अ मॉनिटर यूज करने के लिए भी आईपीएस पैनल टीवी ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो थे आईपीएस पैनल के एडवांटेजेस। अब बात करते हैं वीए पैनल की खासियत के बारे में। वीए पैनल में आपको आईपीएस पैनल से कहीं ज्यादा डीप ब्लैक्स देखने को मिल जाते हैं। आईपीएस पैनल में स्पेशली डार्क रूम में ब्लैक कलर्स ग्रे शेड में दिखेगा। अगर आप आईपीएस पैनल वाले टीवी को बहुत रोशनी वाले रूम में देखेंगे, तो आपको ब्लैक्स उतने खराब नहीं दिखेंगे। जिस टीवी में ब्लैक्स डीप होते हैं, उनका कलर रिप्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि डार्क बैकग्राउंड में कलर्स पॉप आउट करते हैं, जिससे टीवी की ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी अच्छी लगती है। वीए पैनल में ब्लैक्स की यूनिफॉर्मिटी भी आईपीएस पैनल से कहीं ज्यादा अच्छी होती है। यानी वीए पैनल में ब्लैक कलर पूरी स्क्रीन पे एक सा दिखेगा, जबकि आईपीएस पैनल टीवी में वो कहीं डार्क और कहीं लाइट दिखेगा। अगर आपको डीप ब्लैक्स और पंची कलर्स चाहिए, तो आपको वीए पैनल टीवी लेना चाहिए, जैसे तोशीबा, व्यू और नोकिया। जिन लोगों को विविड कलर्स पसंद नहीं है, वो आईपीएस पैनल वाले टीवी जैसे मोटोरोला, ZX Pro, थॉमसन, ओनिडा, सैनियो आदि टीवी कंसिडर कर सकते हैं। आईपीएस पैनल टीवी जैसे मोटोरोला, ZX Pro, ओनिडा या फिर थॉमसन में ऐसे तो अकेले देखने में आपको कलर्स अच्छे लगेंगे,
लेकिन जब आप उन्हें किसी अच्छे VA पैनल वाले टीवी जैसे तोशीबा U5050 के साइड में रखकर देखेंगे तो IPS पैनल टीवी के कलर्स फीके लगेंगे। VA पैनल में IPS पैनल के मुकाबले बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशो हासिल किया जा सकता है। कॉन्ट्रास्ट रेशो किसी भी टीवी के ब्राइटेस्ट और डार्केस्ट पार्ट के बीच के अंतर को कहते हैं। जितना ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशो होगा उतनी ही अच्छी पिक्चर क्वालिटी होगी। कॉन्ट्रास्ट रेशो पिक्चर क्वालिटी को अच्छा बनाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। VA पैनल टीवीज में IPS पैनल टीवी से कहीं अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशो मिल जाता है, क्योंकि VA पैनल टीवीज में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट, डीप ब्लैक और विविड कलर्स मिल जाते हैं, इसलिए उनमें आपको ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। IPS पैनल का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको ब्राइट रूम में मिलता है, जबकि अच्छी ब्राइटनेस वाला VA पैनल टीवी ब्राइट रूम के साथ साथ डार्क रूम में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। VA पैनल में रिफ्रेश रेट IPS पैनल टीवी से ज्यादा अचीव किया जा सकता है। अगर टीवी में रिफ्रेश रेट कम है तो उसमें जब आप एक्शन सीन्स देखेंगे तो सीन्स ब्लर हो जाएंगे। जैसे कोई दौड़ रहा है तो आपको उसकी कहीं कहीं पे डबल इमेज दिखेगी। मोस्टली IPS पैनल वाले बजट टीवीज का रिफ्रेश रेट 50 हर्ज ही होता है, जबकि VA पैनल वाले बजट टीवीज में आमतौर से 60 हर्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। IPS पैनल वाले बजट टीवीज जिनमें रिफ्रेश रेट कम होता है उनमें बजट VA पैनल टीवीज के मुकाबले मोशन ब्लर ज्यादा इविडेंट होता है। कई बजट टीवी मैन्युफैक्चरर्स कस्टमर्स को लुभाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का नाम लेकर बोल देते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मोशन ब्लर को रोक देती है, लेकिन ये सब मार्केटिंग गिमिकरी ही होती है, क्योंकि सोनी की मोशन फ्लो टेक्नोलॉजी को छोड़कर कोई भी टेक्नोलॉजी, चाहे वो MEMC या फिर अल्ट्रा स्मूथ मोशन ही क्यों ना हो, फास्ट एक्शन सीन्स में ब्लर को रिड्यूस नहीं कर पाती है। अगर आप सेटिंग्स में जाकर MEMC को स्विच ऑन भी करेंगे तो पिक्चर क्वालिटी डिजिटल नॉइज के चलते खराब हो जाती है, या फिर सीन्स को स्मूथ बनाने के चक्कर में सीन्स ही नकली लगने लगते हैं। अगर आप IPS पैनल टीवी लेने की सोच रहे हैं और आप मोशन ब्लर नहीं देखना चाहते हैं तो आपको कम से कम 100 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला टीवी ही लेना चाहिए, नहीं तो आपको उसके मोशन ब्लर से परेशानी हो सकती है। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि सोनी ने अपनी ट्रायल ल्यूमिनस और दूसरी टेक्नोलॉजीज के चलते अपने IPS पैनल वाले टीवीज में भी बहुत इम्प्रूवमेंट किए हैं। सोनी X8000H में IPS पैनल होते हुए भी कलर्स काफी वाइब्रेंट है, इसलिए उसकी पिक्चर क्वालिटी दूसरे IPS पैनल टीवी से काफी अच्छी है। EDS पैनल की बात की जाए तो वो IPS पैनल से मिलता जुलता पैनल है, लेकिन उसके व्यूइंग एंगल्स IPS की तरह परफेक्ट नहीं होते हैं। ADS में IPS से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशो हासिल किया जा सकता है, लेकिन VA पैनल जितना कॉन्ट्रास्ट रेशो, ब्लैक्स और कलर रिप्रोडक्शन नहीं मिलता है। ADS पैनल की पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है, इसीलिए वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। अब टाइम है व्यूइंग डिस्टेंस के हिसाब से टीवी चूज करने की, तो चलिए इसके बारे में भी आपको जल्दी से बता देते हैं। व्यूइंग डिस्टेंस का मतलब होता है टीवी से आपके आंखों की दूरी। अगर आप टीवी 5-6 फीट की दूरी से देखेंगे तो आपको 32 इंच टीवी लेना चाहिए, लेकिन अगर आपके व्यूइंग डिस्टेंस 6 से 9 फीट तक है तो आप 43 इंच टीवी ले सकते हैं। 50 इंच टीवी के लिए 9 से 11 फीट की दूरी जरूरी है, और 12 फीट डिस्टेंस पे आप 55 इंच टीवी के लिए जा सकते हैं। 14 फीट से ऊपर व्यूइंग डिस्टेंस पे आप 65 इंच 4K टीवी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब IPS और VA पैनल के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जानने के बाद आपको खुद डिसाइड करना होगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।